In this section, I will explain another factor that causes behavioral bias and that is framing. Framing ka का मतलब होता है कि आप अपनी जो piece of information hai है उसको इस तरह से karte करते हैं या karte करते हैं या इस तरह से लोगों को hain हैं कि जिस तरह से जो अल्फाज का चुनाव है या जो मैसेज के जो जो जैसे वो मैसेज बनाया गया है उसका इम्पैक्ट होता है डिसशन के ऊपर तो दिस इज़ अनदर दर इंसाइट इन द वे वी गेट इन्फ्लुन्स्ड बाय द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के जिस तरह से बात फ्रेम हुई है बात जिस तरह से बनाई गई है लिखी गई है या उसका टेक्स जिस तरह से डेवलप किया गया है वो आपके आउटकम क्या होगा या आपका फैसला क्या होगा उसको असरअंदाज करती है लफ्सों के हेर फेर से तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रेमिंग Uh, आपके जो डिफरेंट uh, जो मार्केटिंग के आपने कैंपेंस देखे होते हैं उसमें जो जुमलों को वो बना के डिफ़ाइन करते हैं कुछ वर्ड्स को आगे पीछे करके आप उसका इफेक्ट आता है किसी और तरह से आप उन्हीं अल्फाज को जब uh, उलट करके कुछ कुछ भी और तरह से रीअरेंज कर देंगे तो आपको वही बात का इफेक्ट मुख्तलिफ तरह से असर अंदाज होता हुआ हमारे फ़ैसले के ऊपर uh, देखने को मिलता है फॉर एग्ज़ाम्पल देर आर अ नंबर ऑफ डिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज़ जो कि इस पर्टिकुलर आस्पेक्ट को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने कहा कि वाकई जिस तरह से आप बात को फ्रेम करते हैं या इंफॉर्मेशन को फ्रेज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है कि आपका जो आउटकम है या आपका जो फ़ैसला है वो किस तरह से होगा तो अभी इस चीज़ इस पर्टिकुलर फ्रेमिंग के बायस को ओवरकम करने का तरीका ये है कि आप अपने जो जजमेंटल कमेंट्स हैं उनको हटा के कि आप जुमले की बनावट की के ऊपर से असरअाज़ से असर लेने की बजाय आप असल में जो फैक्ट्स और फिगर्स की वो बात करें या जो इंफॉर्मेशन आपको वो पहुँचाना चाह रहे हैं आप उसके ऊपर ज़्यादा अगर गौर करेंगे तो आप ये जो फ्रेमिंग वाले बायस को ओवरकम कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं अब अभी जो भी आपने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग